यार आखिरकार यार एक छुट्टी मिल गई यार, एक छुट्टी यार, आज की छुट्टी सिर्फ मेरे लिए यार। सही में कंपनी में इतना ज्यादा काम रहता है ना, तो भाई साहब एक छुट्टी मिली है तो मैं आ चुका हूँ यहाँ पर आज भाई जेट स्की करने के लिए। हाँ भाई साहब, कितने की तुम्हारी जेट स्की? भाई साहब हम असल में 1000 रुपए लेते एक घंटे का। अब पागल है क्या, 1000 रुपए? हाँ भाई 1000 रुपए, करना है तो करो वरना मत करो। अबे तुझे पता है मेरी सैलरी कितनी महीने की? 10,000 रुपए है, पूरे महीने काम करता हूँ और 1000 रुपए तुझे दे दूंगा मैं। भाई मैंने बता दिया 1000 रुपए, इससे नीचे 1 रुपए नहीं लूंगा मैं। भाई यार इतना तो बहुत महंगा यार, थोड़ा कम कर ले यार, 100 रुपए में कर ले यार प्लीज। अरे मैंने बोला 100 रुपए में तो उसका तेल भी नहीं आएगा। अबे मेरे को नहीं करनी तेरी जेट्स की वेट्स की, बेकार से कितनी गंदी हो रखी है। अबे तू जाता है या पिटेगा, अब समझ में आ रहा तेरे को? गाइस यार मैं बहुत ज्यादा मन बना के आया था कि यार आज जेट्स की करूंगा, पर यार यहाँ पर तो आके कुछ और ही लफड़े हो गए। भाई 1000 रुपए मांग रहा है यार, अब मेरी इनकम ही 10,000 रुपए। बताओ अपने 10% यहाँ इस जेट स्की के ऊपर दे दू हम? भाई पागल हूँ क्या मैं? एक काम करता हूँ ऐसे ही नहा लेता हूँ ठंडे ठंडे पानी में। पर गाइस यार मेरा जेट स्की चलाने का सही में बहुत ज्यादा मन था यार, आज मैं घर से सोच के आया था कि यार जेट स्की चलाऊंगा। चलो यार कोई बात नहीं, अब ठंडे ठंडे पानी में अंदर डुबकी मारता हूँ। और एक तो यार पता नहीं यार बिल्कुल भी एक भी मछली नहीं रहती, एक दो मछली दिखे तो मजा तो आए, पकड़ के खा लूंगा पका लूंगा यार। डिनर का सिस्टम यही हो जाएगा, यहीं से पकड़ के ले जाऊंगा और डिनर भी हो जाएगा, उसके भी पैसे बचेंगे। पर मछलियां आती नहीं है, लोग जहां पर रहते वहां पर मछलियां भी नहीं आती है। देखो यार कहीं पर तुम्हें एक भी मछली नजर आ रही है क्यों? उई, वोरी, वोरी। छोड़ो यार पकड़ी तो नहीं जाएगी, एक मछली नहीं पकड़ी जाती, झुंड में पकड़ी जाती है। अबे एक सेकंड, अबे ये जेट स्की किसकी है यार? अबे भाई ये किसकी जेट स्की है? कोई दिखाई भी नहीं दे रहा आसपास, जल्दी बैठता हूं। ओ भाई साहब पेट्रोल भी फुल है, भाई पता नहीं किसकी होगी, लगता है किसी ने छोड़ के यहां पर भूल गया होगा। चलो यार मेरे को जेट स्की मिल गई, चलाता हूं। आगे से ठुक जाएगी, ये कौन है भाई? भाई साहब एक लड़की बैठी है और एक शायद लड़का बैठा, नहीं दोनों लड़की बैठी है। इनका ड्राइवर कहाँ गया यार? ड्राइवर कूद गया लगता है पानी में। अरे जाना पागल, यहाँ से पानी उड़ा रहा आसपास। अबे यार मैं तो मजे ले रहा था। कोई बात नहीं यार, एक काम करता हूँ यार, जेट्स की मिल गई पूरा पूरा फुल भरा तेल, अब बहुत दूर जाऊंगा यार, बहुत दूर तक घूम के आऊंगा। पहली बार जाने वाला हूँ जेट्स की लेके, बहुत दूर जाने वाला है तुम्हारा भाई घूमने के लिए। तो गाइस यार मैं तो जमी बीच से बहुत ज्यादा दूर आ चुका हूँ, यहाँ पर कहीं दूर आ चुका हूँ, पता नहीं आईलैंड वाइलैंड है यहाँ पर। भाई इस तरफ मैं कभी भी नहीं आया, वो तेरी जो है यहाँ पर पानी का प्रेशर भी काफी ऊपर नीचे, ये देखो भाई साहब कितनी तेज है यहाँ पर पानी का प्रेशर। चले काम करता हूँ, जेट्स की को यहाँ पर ही पार्क कर देता हूँ। नहीं नहीं यार इसको थोड़ा और अंदर पार्क करूंगा, वरना ये पानी की जो लहरें हैं ना इसको तोड़ देगी या इसको अपने साथ बहा ले जाएगी और फिर तुम्हारा भाई यहीं पर ही फंस जाएगा, मेरे को यहाँ फंसना थोड़ी है। चलो एक काम करता हूँ यहाँ पर चढ़ा दूँ क्या? अब ये ऊपर भी तो नहीं चढ़ती है, बस ये टूट वूट ना जाए यार, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा दूर हूँ सही में, वापस भी नहीं जा पाऊंगा। हाँ ये सही है एकदम, यहाँ से शायद ये नीचे नहीं जाने वाली बिल्कुल भी। अब चलते देखते भाई सब इस आईलैंड पे मुझे क्या मिलेगा, क्या पता यार किसी के कपड़े वपड़े मिल जाए जो छोड़ के चला गया हो यहाँ पर, या फिर खजाना मिल जाए यार, ट्रेजर मिल जाए, मजा आ जाएगा यार, आईलैंड पे खजाना होता है। अबे एक सेकंड, वहां वो सामने क्या है यार? अबे यहाँ आइलैंड पे कोई आदमी क्या कर रहा है? जल्दी जाता हूँ छुप के देखता हूँ, पता नहीं यार क्या कर रहे होंगे, यहाँ पर कोई लोग है। चलो 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 आराम आराम से, एक तो नंगे पैर हूँ यार, कोई कील कूल ना पड़ी हो या फिर कांच वाच ना पड़ा हो, दारू पी के बोतल ना फोड़ दियो किसी ने यहाँ पर। ओए ये डब्बे किस चीज के रखे इतने बड़े बड़े? अब धीरे धीरे बोल दो भाई साहब क्या चल रहा है यहाँ पर, कुछ तो कुछ कोई खतरनाक लफड़ा है यार, गवर्नमेंट से छुप के कोई काम हो रहा है यहाँ पर इतनी दूर आईलैंड पर। भाई पैसा है ये तो, अबे यार इन डब्बों के अंदर पैसा है, इतना सारा पैसा धर रखा है इन डब्बों के अंदर यार, सारे के सारे डब्बे बिल्कुल फिल पड़े हैं। भाई साहब यहाँ पर एक बंदा है जो बंदूक लेके खड़ा है आराम आराम से, इसको बिल्कुल भी कानो खबर नहीं होनी चाहिए। ओए एक सेकंड, अबे यहाँ पर तो ये पैसे छापने की मशीन लगा रखी इन लोगों ने, ये देखो भाई पैसे छाप रहे हैं ये लोग, तो ये तो भाई इलीगल काम कर रहे हैं यार, जब इन लोगों ने इतनी दूर रख रखी है मशीन। भाई लोस सैंटोस से किसी को कानो खान खबर ना लगे। और ये जो मशीन है ये चोरी की मशीन है, जो आज से करीब 4 महीने पहले चोरी हुई थी गवर्नमेंट से, भाई ये वही मशीन है, मैंने न्यूज में देखा था। भाई यार ये मशीन अगर मेरे हाथ लग गई तो तुम्हारा भाई तो सही में एक नंबर का करोड़पति बन जाएगा भाई, खतरनाक वाला। गाइस यार इस मशीन को कैसे करके मुझे यहाँ से लेके जाना पड़ेगा, भाई भगवान ऐसा मौका डेली डेली नहीं देता, मुझे ये मशीन किसी भी हालत में चाहिए। मैं एक काम करता हूँ यहाँ से कुछ पैसे निकाल लेता हूँ, हाँ यहाँ कम से कम 6-7 मिलियन डॉलर निकाल लेता हूँ, उससे बंदूकें खरीदूंगा और बहुत ही खतरनाक वाले आर्मर खरीदूंगा और एक हेलीकॉप्टर खरीदूंगा और उस हेलीकॉप्टर को लेके यहाँ पर आऊंगा और भाई सब यहाँ से वो मशीन उठा के लेके जाऊंगा। भाई मैंने यहाँ से कम भाई 12 मिलियन डॉलर ले लिए, इतने में मेरे को एक हेलीकॉप्टर, अच्छे कपड़े और अच्छी बंदूकें मिल जाएगी। चलो यार जल्दी से चलते हैं। भाई यार मेरे को पता नहीं था यार मेरे को आज इतनी खतरनाक चीज मिल जाएगी, सही में पैसे बनाने की मशीन मिल गई है मेरे हाथों। ओ पेटे
मजा आ गया, जल्दी चलो यार, जल्दी लेट्स गो। मुझसे बिल्कुल भी नहीं रुका जा रहा यार। सोचो मैं 10-12 मिलियन डॉलर ऐसे चुटकियों में कमा लाया यार। कहा महीने भर काम करता हूँ तब 10,000 डॉलर मिलते हैं मेरे को, सिर्फ 10,000 डॉलर या रुपए बोल दो, नहीं डॉलर ही बोलते हैं हम, डॉलर में बात करते हैं, तो 10,000 डॉलर भाई। और अभी इतनी जल्दी मैं 10-12 मिलियन डॉलर लेके आ चुका हूँ। अब जल्दी चलो यार, टाइम वेस्ट नहीं करते बिल्कुल भी, भागो। बस ये मेरे को देख ना ले यार, इसको पता ना लग जाए कि कोई पैसे निकाल के गया है। कैमरे वैमरे तो नहीं लगा रखे इन लोगों ने, क्योंकि यहाँ पर लगाने का कोई सिस्टम नहीं है कैमरा वैमरा। पर जल्दी चलते यार, जाके एकदम खतरनाक वाली बंदूकें खरीदता हूँ और फिर करते हैं बूम बैम बेबी। चलो भाई साहब चला के देखते हैं यार, मैंने काफी बंदूकें चलाई है और चला के देखते हैं। अबे ये क्या टुच्ची टुच्ची गन चला रहे, पतली पतली सी। अबे यार ऐसे थोड़ी चलती गन। अबे मेरे को चलाने दे, तू निकल यहां से भूतनी के। अबे यार तुम्हारा निशाना ही खराब, देखो मैं चला के दिखाता हूँ। अबे तू जा रहा है, मैं करने देना। गाइस यार मेरे को मजा नहीं आ रहा इन लोगों के साथ, मैं जाके अपनी गन सी खरीदता हूँ, जूस पी लूँ या ना पीऊँ। अबे ये क्या है, यहाँ पर रूल बुक रखी है। अबे मेरे लिए कोई रूल वूल नहीं होता भाई साहब, हम चले दब के दम दम। ओके भाई साहब जाके खतरनाक सी बंदूक खरीदता हूँ। आ जाओ यार आ जाओ, बताओ कौन सी बंदूक चाहिए तुम्हें। भाई साहब सबसे तगड़ी बंदूक दे दे तेरे पास। अरे कोई सी भी ले ले, सॉरी खतरनाक है, पैसों की कोई कमी नहीं है मेरे पास भाई, मिलियन डॉलर से मिलियन। सबसे पहले तो एक पिस्टल दे दे, काफी खतरनाक लग रही है। और भाई साहब मैंने और भी काफी सारे वेपन्स खरीद लिए बड़े वाले, और यहाँ पर एक वेस्ट पे ले लेता हूँ बड़ी वाली, बिल्कुल बुलेट प्रूफ खतरनाक। यहाँ से कपड़े भी ले लेते हैं, ये पैर लेता हूँ या ये पैरू, क्या पैरू कुछ समझ नहीं आ रहा यार। ऐसा कुछ पैर ना जो बिल्कुल बुलेट प्रूफ हो यार, गोली अंदर ही ना जा सके। भाई साहब ये एकदम सही है, पूरा बुलेट प्रूफ है भाई, कुछ नहीं होगा तुम्हारे भाई को। अब चलते हैं जल्दी सी, अब मेरे को लेना एक हेलीकॉप्टर खतरनाक वाला, जिससे यार मैं वो मशीन उड़ा के लेके आने वाला हूँ। जल्दी चलो यार, मेरे को पता है कहाँ मिलता है हेलीकॉप्टर। तो गाइस यार अभी तुम्हारा भाई आ चुका है हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए। हेलो आइए सर, कैसे हैं आप, बताइए क्या चाहिए आपको। भाई साहब मुझे एक ऐसा हेलीकॉप्टर चाहिए जिससे मैं एक ट्रक उड़ा सकूं। अरे सर इतना बड़ा ट्रक। नहीं ट्रक नहीं, एक तरीके से ये बोलो एक वॉशिंग मशीन बड़ी जितनी चीज होगी, वो मेरे को उड़ा के लेके आनी है। अच्छा सर हमारे पास है एक हेलीकॉप्टर, वो पर 3 मिलियन डॉलर का है। ठीक है मैं आपको पेमेंट कर देता हूँ, डोंट वरी, 3 मिलियन डॉलर। पर वो उड़ा तो लेगा ना कम से कम एक मशीन को। हाँ आराम से सर, 10-12 आदमी एक बार में उड़ा सकते हो तुम उससे। बस यही चाहिए था यार मेरे को। हाँ तो सर वो रहा पीछे, देख लीजिए आप जाके। ओके देखता हूँ भाई साहब कौन सा वाला है। अरे भैया इस वाले हेलीकॉप्टर के वो पीछे खड़ा है, वो वाला। हाँ भैया वही है वही। भाई यार वो तो बहुत छोटा है। अबे उसमें इंजन बहुत बड़ा लग रहा है, पर मैं बता रहा हूँ आराम से उड़ा लोगे। ले ठीक है मेरे अकाउंट में ये पैसे डाल दिए मैंने। हाँ शुक्रिया भाई साहब आपका, गुड डे गुड डे गुड डे। चलो गाइस इधर चलते अब जल्दी से, ये वाला हेलीकॉप्टर है जो मेरी मदद करने वाला है। भाई साहब दिखने में तो बहुत ज्यादा छोटा है, उस मशीन को हवा में उड़ा पाऊं मैं, वरना यार फुसड्डी रह गया ना कहीं पर तो बैंड बच जाएगी मेरी। चलो ये लो हम लोग बैठ चुके हेलीकॉप्टर के अंदर, ये उड़ गया। भाई पावर तो है भाई हेलीकॉप्टर के अंदर, मानना पड़ेगा दिखने में छोटा है पर है ताकतवर। अब चलते जल्दी से, मेरे को लोकेशन याद है मैंने कहां पर देखी थी वो मशीन। और भाई साहब अब वहां पर गुंडे और भी तो आ गए होंगे, पूरी एहतियात बरतनी पड़ेगी भाई, क्या पता कितने गुंडे आ गए वहां पर। पहले तो सिर्फ एक गुंडा था, भगवान प्लीज वो एक ही गुंडा हो, उसको तो तुम्हारा भाई अकेले ही समटा देगा, बस ज्यादा आ गए होंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। चलो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से पहुंचते हैं वहां पर। ओ भाई साहब ये आ गए हम लोग वो नीचे आईलैंड खतरनाक वाला। ए यार ये हेलीकॉप्टर कंट्रोल में नहीं आ रहा है, यहाँ पर हवा चल रही है तेज तेज, ये हम लोग आ गए। भाई साहब वो मशीन, ओ शिट यहाँ पर तो बहुत सारे आदमी आ गए, लगता है इन लोगों को पता लग गया होगा कि मैं इनके पैसे चुरा के गया हूँ। अरे ये कौन है, मारो इसको। अबे तुम लोगों की ऐसी तैसी, यहाँ पर हेलीकॉप्टर को खड़ा करता हूँ जल्दी सी, यहाँ पर कर दिया मैंने पार्क। अब इनको बताता हूँ, ओ मेरे ऊपर गोली चला रहे यार ये लोग तो। अबे रुक जाओ इनकी ऐसी तैसी, अबे कहाँ है ये बंदा। अब मारो इसको, ये वो जिसने हमारे पैसे चुराए। अबे रुक जा तुम लोगों की ऐसी तैसी, ये ले बम बेबी, एक को भी नहीं छोड़ूंगा हम। यार मेरे ऊपर गोली चलाएंगे, मैं बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन के आया हूँ सबसे महंगी वाली, तुम्हारी एक गोली मुझे नहीं लगने वाली। ये ले तेरी ऐसी तैसी, तुम लोगों की बैंड बजाऊं यहाँ पर मैं। अबे यार कितने बंदे हैं यार, जल्दी जल्दी मरो ना भाई साहब, दिखाई भी तो नहीं दे रहे, एक तो इन डब्बों के पीछे छुप रहे। अबे मशीन से दूर हो जा, मशीन को गोली लग गई तो छोड़ूंगा नहीं तेरे को, तेरे बाप की मशीन नहीं है ये, मेरी मशीन है। भाई साहब सबको मार डाला मैंने, कोई जिंदा तो नहीं है। ये ले तेरी हस्ती, क्या कर रहा है। अबे यार कितने बंदे ऐसे आए जा रहे भाई, लगता है मैंने सबको मार डाला। ओ भाई साहब ये मशीन आज से मेरी हो गई, ये मशीन मेरी हो गई। भाई इसको जल्दी घर लेके चलता हूँ, इससे पहले किसी और को पता चले या और बंदे आए इनके। भाई कितने सारे पैसे यार, देख रहे हो आप लोग भाई, डब्बे के डब्बे भर रखे है। और मशीन बंद कर देता हूँ फिलहाल के लिए, चलो यार चलती रहने देता हूँ, पैसे बनते रहेंगे, घर पहुंचूंगा इतने 1-2 मिलियन और बन जाएंगे, मजा आ जाएगा। तो भाई साहब पैसे हमने सारे के सारे ले लिए अपने भाई हेलीकॉप्टर के अंदर, पीछे डाल दिए, भर दिए, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे, वो मैंने भरे एक तरीके से। अब जल्दी से बैठता हूँ हेलीकॉप्टर के अंदर एकदम परफेक्ट। अब इस मशीन को टो करते हैं और इसको लेके चलते हैं हवा हवाई। भाई इतना ऊपर उड़ाना पड़ेगा, किसी को शक नहीं होना चाहिए कि क्या उड़ा के लेके जा रहा हूँ, क्योंकि जिस गुंडे की
ये मशीन, उससे भी मुझे बचना है और दूसरा गवर्नमेंट से भी मुझे बचना है, क्योंकि यार गवर्नमेंट अलाउड नहीं करती ऐसे पैसे छापना, ये इलीगल होता है। पर तुम्हारे भाई को मशीन मिल गई, ऐसे छोड़ने वाला थोड़ी हूँ ऐसे। अभी इसको एकदम फिक्स कर लेता हूँ, बैठा लेता हूँ एक बार इसके ऊपर। ये तो हार्ड है यार, थोड़ा लग तो जाएगी ना आराम से। हाँ शायद हो गया, अब नहीं बैठा। हाँ अब सही, एकदम फिक्स हो गया। चलो अब इसको उठाते हैं। ये लो भाई साहब मशीन हो गई है रेडी, चलो इसको लेके चलते हैं। ओए भारी है यार मशीन थोड़ी, पर कोई बात नहीं, हेलीकॉप्टर में दम है जैसा उस बंदे ने कहा था। ये हम लोग चले। वो बेटे मेरे पास पैसे छापने वाली मशीन आ गई। गाइस यार आप लोग बताना कि मैं पैसे छाप कर सबसे पहले क्या खरीदूं, जो आप कहोगे ना वो खरीदूंगा मैं। कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ, मुझे गन खरीदनी चाहिए, गाड़ी खरीदनी चाहिए, या मेरे को घर खरीदना चाहिए, या मेरे को और हेलीकॉप्टर खरीदने चाहिए। सब कुछ खरीद लेंगे यार, एक एक करके सब कुछ खरीद लेंगे। पर सबसे पहले घर आ चुका है, घर जाकर जल्दी से इसको लैंड कराता हूँ आराम से। ओए धीरे 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 धीरे, आराम आराम से, आराम आराम से, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल आराम से, कोई टूटना नहीं चाहिए कुछ भी, धीरे आराम आराम से, आराम आराम से, ज्यादा जल्दी नहीं करनी यार मेरे को बिल्कुल भी, आराम आराम से करने का है सारे काम, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का होता है और मैं कोई शैतान थोड़ी हूँ। तो भाई साहब मशीन यहाँ पर हमने रख दी है बिल्कुल परफेक्टली, और किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई है कि मैं कोई मशीन लेके आया हूँ। बस ये हेलीकॉप्टर पागल हो गया है, इसको लैंड कराता हूँ जल्दी से उस तरफ, बाहर की साइड कराऊंगा, घर पे नहीं कराऊंगा यार इसको लैंड, क्या पता कितना भारी होगा। ए धीरे धीरे यार, एक तो ये बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, पता नहीं इसके अंदर क्या हो गया, लगता है इसमें तेल कम होगा। ए हो गया भाई साहब, क्रैश लैंडिंग से तो बच गया कम से कम मैं। तो गाइस यार यहाँ पर हेलीकॉप्टर हो चुका है हमारा लैंड, अब जल्दी से चलता हूँ यार। मेरे को वो नोट छापने की मशीन नीचे रखनी पड़ेगी, ऐसे छत पर नहीं रख सकता, किसी ने देख लिया तो आ रहा चलते आदमी ने कि छत पर पैसे छापने की मशीन रख रखी है, भाई पुलिस में कंप्लेंट कर देंगे, दुनिया जलती बहुत है मुझसे वैसे ही। चलो 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 चलो, ये रही मेरी खतरनाक वाली मशीन, अभी मुझे डब्बे भी लाने यार जिसमें पैसे भरूंगा बहुत सारे। चल तो रही है ना? हाँ भाई साहब बिल्कुल परफेक्टली अब भी चल रही है, इसको नीचे लेके चलते हैं अब जल्दी से। भाई साहब आओ, क्या आवाज आ रही है, किसका हेलीकॉप्टर उड़ रहा है? अरे सुमित क्या कर रहा है तू, पागल है क्या, तूने मेरी नींद खराब कर दी। अरे ये क्या है, अभी ये क्या भर के लेके आ गया तू, अरे ये क्या मशीन है? अबे चुप, नोट छापने की मशीन लेके आ गया मैं। आओ क्या बकवास कर रहा है, आओ तुझे कहाँ से मिली ये? अबे यार चुरा के लेके आया हूँ गुंडों को मार के। आओ पागल है क्या, ये गलत काम है। अबे भाई साहब मैंने गुंडों से चोरी की, उसमें क्या गलत है? आओ बेटे बहुत सारा पैसा है ये तो, मेरे लिए मेरी दोस्त लेके आएगा ना तू? हाँ तेरी दोस्त क्या, तू जो मांगेगा वो लाऊंगा मैं। आओ मेरे को सोने की हड्डी चाहिए। ओ बेटे हम तो अमीर हो गए, अब मैं टट्टी भी सोने की करूंगा, आज से ऐसी टट्टी नहीं करूंगा मैं। गाइस यार सही चोप भी पागल है, कैसे कैसे डिमांड करता है। सुन चोप, तू मशीन का रखियो ध्यान, ठीक है? और कोई घर पर आए ना तो उसको अंदर मत आने दियो, ठीक है? आओ ठीक है, किसी को भी नहीं आने दूंगा मैं। और याद रखियो, जब पैसे भर जाए ना ज्यादा तो इनको खाली कर दियो, ठीक है? याद से आओ, मेरे को नहीं आते खाली करने। अबे तो टट्टी करनी तो आती है ना, आओ देख अब भी कर रहा हूँ ऑटो में। अरे मुझे बॉस को जाके सारी बात जल्दी से बतानी पड़ेगी, ये तो बहुत ही बड़ी वाली प्रॉब्लम हो गई। अरे बॉस एक बहुत बड़ी वाली प्रॉब्लम हो चुकी है बॉस। अरे क्या हो गया छोटे, क्यों चिल्ला रहा है? अरे बॉस यार, वो असल में हमारी जो नोट छापने की मशीन थी ना, उसका किसी को पता लग गया और हमारे सभी बंदों को मार नोट छापने वाली मशीन ले गया। क्या बात कर रहा है, वो जगह का किसी को कैसे पता चला? हमने तो दूर टापू पर रखी थी ना मशीन, किसी का आना जाना ही नहीं था वहां पर। अरे पता नहीं, लगता है कोई आदमी घूमते घूमते वहां पर आ गया था और उसने देख लिया नोट छापने की मशीन हमारी, हमारे सारे बंदों को मार के और नोट छापने की मशीन ले गया। कौन है वो बताओ मुझे? अरे बॉस उसका नाम सुमित है और वो लॉस सैंटोस में रहता है। उसकी इतनी हिम्मत, पप्पू बंदे से पंगा लिया, उसको पता नहीं क्या वो मशीन किसकी है? बॉस लगता नहीं है उसको पता था, अब क्या करें हम लोग? क्या करना है, उसके घर चलो। ठीक है बॉस, जैसा आप कह रहे हो। और याद रखना, वो जिंदा नहीं बचना चाहिए, पप्पू डॉन से जो पंगा लेगा उसकी बैंड बजा देने का। अरे बॉस आप टेंशन मत लो, हम सब कुछ संभाल लेंगे, मैं सिर्फ आपको बताने आया था। तू कुछ नहीं संभाल सकता, मैं तेरे साथ चलूंगा, खुद यमराज तेरे साथ चलेगा। अरे बॉस आपकी जरूरत नहीं है वैसे, पर ठीक है आप कह रहे हो तो मैं भी आपका इंतजाम कर देता हूँ, सभी लोगों को बुलाता हूँ और चलते हैं वहाँ पर हम लोग जल्दी से। मैंने लोकेशन भी निकाल लिया उसकी। हेलो कहाँ पर हो तुम? हाँ बॉस बोलिए। जल्दी चलो, बॉस को हमारी जरूरत है, हमें असल में एक बंदे के घर पर जाना है, गुंडागर्दी करनी है, उसने हमारी मशीन चुरा ली है, जल्दी पहुँचो सारे हथियार लेके। हाँ बॉस ठीक है अभी पहुँचता हूँ। हाँ तो जल्दी आना, बिल्कुल भी शिकायत का मौका नहीं चाहिए। हाँ तो बॉस मैंने अपने सभी बंदों को इन्फॉर्म कर दिया, वो कुछ ही देर में आते होंगे और उसके बाद हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। उसकी हिम्मत कैसे हुई पप्पू डॉन से पंगा लेने का, मैं उसको कट 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 काट डालेगा, छोड़ूंगा नहीं मैं उसको। हाँ बॉस आप टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी, हम उसे छोड़ेंगे नहीं।
हम उसको छोड़ेंगे नहीं। हाँ तो बस मैं चलता हूँ, अब मेरे को छोटा सा काम है और उसके बाद मचाएंगे हम धमाल है। अरे सर ये आप अच्छी तो लग रही है। अरे मैडम जी आपके पास और महंगे कपड़े नहीं है क्या? नहीं सर, हमारे पास सबसे महंगे कपड़े थे वही आपको दिखाए हैं, इससे महंगे नहीं है हमारे पास। मुझे नहीं पता मैडम जी और महंगे कपड़े लेके आइए। ठीक है यार, मैं कोई गरीब थोड़ी हूँ, गरीब कपड़े पहनूंगा जो। तो गाइस यार अभी तुम्हारा भाई शॉपिंग कर रहा था यहाँ पर भाई महंगे कपड़ों की, और ये देखो तुम्हारे भाई ने एक नई लैम्बोर्गिनी खरीदी है। कैसी लग रही है यार, बिल्कुल एंटिक पीस है। पता है कहाँ से खरीदी है ये? मैंने म्यूजियम में से खरीदी है गाड़ी जाके, ना कि शोरूम पे से। म्यूजियम में लोग देखने आते थे इसको, भाई तुम्हारे भाई ने जाके ही खरीद मारी। बोला म्यूजियम में क्या, ये गाड़ी मेरी है मैं चलाऊंगा इसे। और ये गाड़ी पता कितने खरीदी है मैंने? ज्यादा नहीं 80 करोड़ की खरीदी है। अरे भाई सब पैसा अंदा आ चुका है। आओ सुमित। अबे कौन? आओ मैं बोल रहा हूँ चुप, क्या हो गया? आओ घर पर कुछ गुंडे आ गए, जल्दी आ, बैंड बजा दी उनने, मशीन भी बंद कर दी। क्या बात कर रहा है? आओ हाँ, उनको पता नहीं कैसे पता चला, बोल रहा कि तूने उनकी मशीन चुराई है और बहुत सारे गुंडे आ गए घर के बाहर। मैं तो भाग गया, तू देख लिया। अबे तेरी, अबे गाइस यार इसने तो फोन ही काट दिया भाई सब, डरपोक एक नंबर का कुत्ता कहीं का। भाई मैंने उसको बोला घर पर रहने के लिए, जब भी भाग गया डर की मारी। चलो देखते हैं किसकी ऐसी तैसी, ये कौन आया मेरे घर पर? अरे कौन है वो तेरी, यहाँ पर तो काफी बंदे हैं। तुम हो क्या सुमित? हाँ मैं ही हूँ सुमित, तुम कौन हो? मैं वो हूँ जिसकी तुमने मशीन चुराई है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हमारे बॉस की मशीन चुराने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब बोल। हाँ तू ही है क्या सुमित, तूने चुराई हमारी, हमारे बॉस की मशीन? हाँ मैंने ही चुराई है, तो क्या हो गया? आओ मैं चला बाहर। अब चौप के बच्चे रुक तो जाता। ये क्या तुम्हारा कुत्ता था? बहुत परेशान किया इसने, चलो सही है भाग गया। तुम्हें पता है तुमने पप्पू डॉन की गैंग से पंगा लिया है और हम सब मिलके तेरी बैंड बजा देंगे, चुपचाप वो मशीन हमारे हवाले कर दे। भाई भारी रखी है, ले आओ जाके। तुझे डर नहीं लगता जो हमसे ऐसे बात कर रहा है? नहीं मेरे को डर वर नहीं लगता किसी से भी। तू बहुत बड़ा गुंडा है क्या? तुझे दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर कितने सारे लोग है? तेरी मिनटों में चुटकियों में कट कट कर देंगे। हाय ये मेरा डायलॉग है, मेरा डायलॉग नहीं बोलने का। हाँ बॉस ठीक है, सॉरी आपका डायलॉग नहीं बोलूंगा मैं। अरे चुपचाप हमारा बॉस की मशीन वापिस दे। ओए लगता है तू नया बंदा है इसलिए तेरे को मेरे बारे में पता नहीं है। पप्पू डॉन नाम है मेरा, पप्पू डॉन। पहले एक बात बता देता हूँ, तुम लोग अभी मेरे घर के बाहर खड़े हो और तुम लोग हो ना असल में मुझे नहीं जानते हो, मैं एक ऐसा खतरनाक आदमी हूँ जो तुम लोगों की बैंड बजा दूंगा। तुम लोगों की ऐसी तैसी मेरे घर में आके गुंडागर्दी कर रहे हो है? अब मैंने तुम्हारे इलाके में जाके तुम्हारी बैंड बजाई तो सोचो तुम मेरे इलाके में आके मुझसे गुंडागर्दी कर रहे हो। अब बोल। हाँ है कोई सा? बोलियो। हम मैं यार मुझसे गुंडागर्दी कर रहे, वो भी मेरे इलाके में आके। यार मैं तो तुम्हारे घर से तुम्हारी मशीन उठा के लेके आया हूँ और तुम मेरे साथ ही बकवास कर रहे हो। कहाँ गया वो पप्पू डॉन? कौन सा था? पता नहीं यार भूल गया मैं तो कौन सा था इनमें से। पप्पू डॉन मार दिया मैंने तो सबको। गाइस यार अब ये कचरा साफ करना पड़ेगा, जल्दी से माइकल और ट्रेवर को फोन मिलाता हूँ, लेस्टर और लेमार को भी बुलाता हूँ और यहाँ से सारी सफाई करवाता हूँ। और भाई सब कोई चीज की प्रॉब्लम ही नहीं है भाई, नोट छापने की मशीन है तुम्हारे भाई के पास, गवर्नमेंट कुछ बोलेगी तो पैसे से मुंह भर देंगे उनका। चलो गाइस यार मजा ही आ गया, हम लोग चलते फिलहाल घूमने के लिए, क्योंकि जब तक घर की हो जाएगी क्लीनिंग खून खराब अच्छा नहीं लगता मेरे को इतना, ठीक है ना? तो गाइस यार आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार भूले बैठ गए तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम लोग मिलेंगे इसको नई वीडियो में नई स्टोरी के साथ, जब तक के लिए सायोनारा।